हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। आज हम बात करेंगे अर्निका मोंटाना मेडिसिन के ऊपर, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अर्निका मोंटाना जो मेडिसिन है वो इंजरी के लिए बेस्ट मेडिसिन है। जो इंजरी हुई है आपको, किसी भी कारण हुई हो, आप गिर गए हो या फिर आपको कोई एक्सीडेंट हो गया है या और भी कोई अदर कारण हो, उसके कारण जो इंजरी हुई है, उसमें आपको ब्लू कलर का, मतलब नीला कलर का निशान पड़ गया है। जो नीला कलर का निशान पड़ गया है आपको बॉडी में कहीं भी, तो उसके कारण क्या होता है कि आपको जो, जहाँ पे आपको नीला कलर का निशान पड़ा है, जहाँ पे आपको चोट लगी है, तो वहाँ की जो मसल्स हैं और वेन है, नर्व है, वहाँ की डैमेज हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि वो नीला कलर का निशान पड़ जाता है और पेशेंट को दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ये जो दर्द है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक बना रहता है, इसको ठीक करने में टाइम लगता है। तो आप अर्निका मोंटाना जो मेडिसिन है ले सकते हैं, ये आपके दर्द को ठीक करेगी पूरी तरह से, और जलन हो रही तो उस जलन को ठीक करेगी। ये सारी प्रॉब्लम को ठीक करने में जो अर्निका मोंटाना मेडिसिन है वर्क करेगी। जो नेक्स्ट पॉइंट है अर्निका मोंटाना का, वो ये है, जो पेशेंट होते हैं उनको यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन्फेक्शन होने के कारण क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं उनको बहुत तेज़ दर्द होता है, और जो दर्द होता है या फिर जो यूरिन में इन्फेक्शन हुआ वो किसी चोट लगने के कारण हुआ हो, जो चोट लगने के कारण होता है तो उनको यूरिन में दर्द होता है, उनकी यूरिन में ब्लड आने लगता है। तो इस कंडीशन में भी आप अर्निका मोंटाना जो मेडिसिन है ले सकते हैं, पूरी तरह से बहुत ही अच्छा वर्क करेगी, आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जो फीमेल्स होते हैं, तो फीमेल्स में क्या होता है कि प्रेगनेंसी के बाद ब्लीडिंग होती है, जो ब्लीडिंग होती है ना कई फीमेल्स को नहीं होती और क्लॉट बनने लगता है, तो उस क्लॉट को भी डिसॉल्व करने में जो अर्निका मोंटाना जो मेडिसिन है बहुत ही अच्छा मदद करेगी। तो अगर वो क्लॉट बनने लगता है तो पेशेंट को दर्द होने लगता है, तो आप ये मेडिसिन लीजिए, वो क्लॉट नहीं बनेगा आपको। जो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपको आँख में, जैसे कई लोग बहुत बारीकी का काम करते हैं, तो बारीकी के काम करने के कारण क्या होता है कि उनकी आँखों में जो ब्लड है वो जमने लगता है, जब ब्लड जमने लगता है रेटिना पेशेंट के, तो पेशेंट को दर्द होने लगता है। दर्द के साथ आँख बंद करते हैं या ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो पेशेंट को बहुत तेज़ दर्द होता है, जलन होती है, पेन होने लगता है, और आप देखेंगे कि जो पेशेंट की रेटिना है उसके आँखों में ब्लड एकदम जमा हुआ थका अलग आपको दिखेगा। तो इस कंडीशन में भी आप अर्निका मोंटाना जो मेडिसिन है वो ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, अगर आपको बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, उस दर्द के साथ जो दर्द हो रहा है वो आपको पेट में दर्द हो रहा है, ये पेट के लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है। अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है, जो दर्द हो रहा है वो मरोड़ के साथ हो रहा है, उसके साथ आपको अगर लूज मोशन भी हो रहा है, लूज मोशन के साथ आपको डिसेंट्री भी हो रही है, उसके साथ ब्लड आ रहा है, तो आप ये मेडिसिन को लीजिए, बहुत ही अच्छा वर्क करेगी और आपकी ये प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक करेगी। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको चोट लग जाने के कारण क्या होता है कि चक्कर आता है, तो उस चक्कर को बार बार चक्कर आता है, तो इस कंडीशन में भी आप अर्निका मोंटाना जो मेडिसिन है वो ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा ये जो मेडिसिन है वर्क करेगी। इसके बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे अगर आप अर्निका मोंटाना जो मेडिसिन है ये लेंगे। तो जो अर्निका मोंटाना का जो पेशेंट होता है उसको कहना चाहिए कि मांस, जो चिकन होता है वो सब खाना बिल्कुल पसंद नहीं करता, बिल्कुल अवॉइड करता है मांस खाने को, तो ये बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। आपको चाहे तो अर्निका मोंटाना जो मेडिसिन है ले सकते हैं, बहुत सारी आपकी जो इंजरी की प्रॉब्लम है या फिर आपको चक्कर आ रहे हैं या आपको क्लॉटिंग हो गई है कहीं पर भी, जो क्लॉटिंग है ब्लड की वो डिसॉल्व नहीं हो रही, तो उस कारण उस क्लॉटिंग को आप डिसॉल्व करने में ले सकते हैं अर्निका मोंटाना जो मेडिसिन है। आपको चेस्ट पेन हो रहा है, जो चेस्ट पेन हो रहा है तो बहुत तेज़ हो रहा है, और वहाँ पर आपकी चेस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने प्रॉब्लम हो रही है या आपका फिर और भी कोई दिक्कत हो रही है, तो आप इस कंडीशन में जो अर्निका मोंटाना मेडिसिन है ले सकते हैं, पूरी तरह से ये मदद करेगी। तो अब जो अर्निका मोंटाना जो मेडिसिन आप 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार लीजिए, मॉर्निंग में और नाइट में लीजिए, और याद रखिए कि जब भी आप ये मेडिसिन लेते हैं तो गैप रखिएगा खाने के बाद का, मेडिसिन खाने के बाद गैप रखिएगा,
और दो ड्रॉप लेना है और आप इसको कंटिन्यू रखिए। आपकी जो इंजरी हो गई है, नीला पड़ गया है, याद रखिएगा नीला पड़ गया है, कटना नहीं है। अगर आपको कट लग गया है तो कट के लिए आप कैलेंडुला जो ऑइंटमेंट है वो लगा सकते हैं। अगर आपको नीला पड़ गया है तो उस कंडीशन में आप अर्निका मोंटाना जो पोटेंसी है वो यूज़ कीजिए। 30 पोटेंसी में आप चाहें तो ऑइंटमेंट भी लगा सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।